नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप IVTV देख रहे हैं। चाहे बात बॉलीवुड की हो, टॉलीवुड की हो या फिर बॉलीवुड की हो, कई ऐसे अभिनेता और अभिनेत्री हैं जिन्होंने पर्दे पर तो अच्छा अभिनय किया ही है, इसके साथ साथ ही उन्होंने पॉलिटिक्स में किस्मत आजमाई और ऐसे में आज वो अच्छे अभिनेता के साथ साथ एक अच्छे नेता भी हैं। बॉलीवुड में तो ऐसे कई जाने माने चेहरे हैं और बात करें भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की तो रवि किशन हो गए, मनोज तिवारी हो गए, निरहुआ हो गए, ये वैसे चेहरे हैं जिन्होंने पर्दे पर अच्छा भी नहीं किया और आज एक अच्छे नेता के रूप में जाने जाते हैं। इसी कड़ी में एक और नाम जो है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से अब पॉलिटिक्स में जुड़ने वाला है। बता दें कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बेहद जानी मानी और एक खूबसूरत एक्ट्रेस सीमा सिंह जो है वो अब पॉलिटिक्स में किस्मत आजमा रही है। जिस तरीके से ये एक परंपरा चल रहा है, इसी नक्शे कदम पर सीमा सिंह चल रही हैं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने अच्छा नाम कमाया है। आइटम डांस करती थी ये और आइटम गर्ल के नाम से इनको जाना जाता है। ऐसे में इन्होंने अच्छा अभिनय भी किया है और अच्छा अभिनय के साथ साथ ही अब ये पॉलिटिक्स में जाने वाली हैं। खबरें आ रही हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में की जो है सदस्यता लेंगी और इनको सदस्यता दिलाएंगे खुद चिराग पासवान। बता दें कि वैसे तो सीमा सिंह जो है इलाहाबाद की हैं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ इन्होंने हिंदी, मराठी, तमिल और बंगला जैसे फिल्मों में भी काम किया है और अब ये पॉलिटिक्स में जा रही हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में शामिल होंगी। देखिए, सीमा सिंह को लेकर खबरें ये आ रही हैं कि शेखपुरा के बरबिगा से ये अपना चुनावी किस्मत आजमा सकती हैं, क्योंकि अब ये जो है सदस्यता लेंगी। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस ऐसी है कि इन ये लोगों को झुमा देती हैं और अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। इनकी जो भी फिल्में हैं, जो भी गाने हैं, उस फैंस इनकी काफी करीब है और वैसे में अब ये वोटरों को साधने का काम करेंगी। सीमा सिंह ने अपने आइटम डांस की वजह से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग पहचान दिलाई है। बता दी कि सीमा सिंह ने अपने पहले आइटम डांस के लिए कभी 11,000 रुपए लिए थे और आज के समय में सीमा की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है कि वो अब 5 से 10 लाख एक आइटम डांस के लिए लेती है। सीमा सिंह की पहली फिल्म कहां जाइबा राजा नजरिया लड़ाई के 2008 में आई थी। सीमा सिंह ने इसमें आइटम सॉन्ग 11 नंबर गाड़ी चले 80 के रफ्तार में किया था, जिसके लिए उन्हें 11,000 रुपए मिले थे। इसके बाद सीमा सिंह ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे बढ़ती जा रही हैं। बता दें कि सीमा सिंह का जन्म 11 जून 1990 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने 600 से अधिक फिल्मों में आइटम डांस किया है। वो भोजपुरी फिल्मों के अलावा हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, बंगाली और राजस्थानी फिल्मों में आइटम डांस कर चुकी हैं। सीमा की मुख्य भोजपुरी फिल्मों में हम दो अनजाने, छोड़बा ना संग तोहार और हिम्मत वाला जैसी फिल्में शामिल है। भोजपुरी फिल्मों की आइटम गर्ल सीमा सिंह आज कामयाबी के शिखर पर हैं। इसको लेकर सीमा को काफी संघर्ष भी करना पड़ा था। कुछ महीने पहले सीमा सिंह ने गोविंदा के फिल्म आ गया हीरो में आइटम डांस किया था, जिसके बाद उन्हें बहुत सी हिंदी फिल्मों में आइटम सॉन्ग करने का मौका मिला। भोजपुरी फिल्मों के निर्माता कभी एक आइटम सॉन्ग रखते थे, लेकिन आज के समय में 2 से अधिक आइटम सॉन्ग नजर आने लगे हैं। इसकी एक बड़ी वजह है कि आइटम डांस की वजह से फिल्म आसानी से हिट हो जाती है और दर्शकों को फिल्म की कहानी भले ही याद रहे ना रहे, लेकिन आइटम सॉन्ग जरूर याद रहता है। एक्ट्रेस सीमा सिंह के फैंस का कहना है कि सीमा सिंह की हॉट परफॉर्मेंस उनके दिल पर छा जाती है और उनको अच्छा लगता है सीमा सिंह को इस तरह परफॉर्म करते देखते हुए। और ऐसे में देखिए कि अब सीमा सिंह जो है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बाद पॉलिटिक्स में किस्मत आजमा रही है। एक तरफ जहां भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से कई ऐसे अभिनेता पॉलिटिक्स में हैं, बात कर ले हम रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ और अब आगे एक और नाम जुड़ने जा रहा है और वो एक अभिनेत्री हैं सीमा सिंह। बता दें कि खबरें ये आ रही है कि आज सोमवार को दिल्ली में सीमा सिंह जो है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता लेंगी और ऐसे में चिराग पासवान जो है उनको सदस्यता दिलाएंगे। ऐसे में सीमा सिंह को लेकर खबरें अब ये आ रही हैं कि अब वो वोटरों को साधने का काम करेंगी। एक तरफ जहां उन्होंने पर्दे पर अच्छा भी नहीं किया है तो अब वो पॉलिटिक्स में भी आकर अच्छा जो है एक भूमिका निभाएंगी लोक जनशक्ति पार्टी में और शेखपुरा के बरबिगा से चुनाव लड़ने की खबरें सामने आ रही हैं। आप इन मुद्दों पर क्या सोचते हैं, हम तक अपनी राय कमेंट के जरिए दीजिए। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें IVTV के साथ। धन्यवाद। टफकॉन XT600 HCR TMT रिबा, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। घर को बनाना है एक्स्ट्रा टफ टफकॉन XT के साथ।